हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी बात सुनो, किसी को उल्लू बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो उल्लू को बुरा लगना चाहिए ना, ऊद बिलाव को क्या परेशानी हो रही है? ऊद बिलाव मुझे परेशानी क्यों होगी, मैं तो खुद कमाने वाला इंसान हूँ। आप भी कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सरनेम खराब हो जाएगा, कपिल शर्मा से कपिल निकम्मा हो जाएगा। मेरा सरनेम मैं तेरे नाम से पहले चल बसे लगाना, मैं थप्पड़ मारा तेरे मुंह पे। बकवास कर रहा है बदतमीज। क्या क्या हुआ, इतनी गर्मी क्यों है? क्यों है शर्मा जी, केतली जैसा मुंह तेरा, मैं क्यों गर्म होऊंगा बे? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। किसी दिन इसी केतली में चाय भर के ना आप पे फेंक देनी है। पापा, ये देखो, मुझे स्कूल से कप मिला। नलायक, थोड़ी मेहनत और कर लेते, साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा, वो कप नहीं, जीतने वाली कप। वाह, ये कैसे मिला कप? मैं ड्रामा में नागिन बना था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा, तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई। इधर कप तो देखने दे, कैसा है दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं। हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा, आप इस कप में टी पिएंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तुम्हें टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा के लिया तो मारपीट तो होती है ना। बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है इतना? बेटा बोली कप भैया। बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कप भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। तो कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता है तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, एक वकील आने वाला है, उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तू मेरी बीवी है ठीक है? लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या कानून, रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तू खाली बन जाना ठीक है, अच्छी साड़ी पहन के आना ठीक है बेटा। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है। खजूर, where is this? छोड़ूंगी नहीं आज इसको, his nut and bolt. क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? स्कूल से कप चोरी करके भागा है। अब बताइए पैसे कौन देगा, आप या उसके पापा? क्या मैडम, आप इतनी खूबसूरत लड़की हो गई, आप क्या 5 रुपए के कप के पीछे भाग रही हैं? आपको तो अपने बच्चों के पीछे भागना चाहिए। अरे बच्चे तो तभी होंगे ना जब मेरी शादी होगी, यू नो, नो अंडा विदाउट मुर्गी। शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़का देखोगी। लड़का तो तभी देखोगी ना जब कोई पसंद आएगा। तो पसंद तो तभी आएगा ना जब सामने बैठे लड़के को ध्यान से देखोगी। नहीं नहीं, सिद्धू जी तो मेरे जेठ के बड़े भाई लगते हैं। अरे सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे ऐसे किसे पसंद करो, पता होना चाहिए लड़की का चाल चलन कैसा है। लड़का मतलब हाउ ईट, हाउ वॉक, हाउ टॉक, ऐसे थोड़ी आफ्टर मैरिज इज यू नो नॉट अ जोक। अरे मेरे पास 50 करोड़ की जायदाद है। नाउ दिस इज अ जोक। तेरी बात सुनो, आप सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करनी है, जैसे पैसे अंदर आए आप बाहर, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें क्या है? I just come, okay? यार कुछ हाँ या ना तो बता के जाओ। वाह कपिल शर्मा वाह, अब मुझे पता चला कि तुम खजूर को यहाँ पर अपनी वाइफ क्यों बना रहे थे। ना तो खजूर यहाँ पर आएगा और ना ये टीचर यहाँ पर आएगी, ये जलील काम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काम मैं करूंगा। अब मैं अमीर हो गया हूँ, आपको पता है 50 करोड़ में से पार्टनरशिप मेरे को भी मिलने वाली है। कौन देगा तुझे? आप और कौन? इधर मुकर। तेरे को किसने कहा मैं पार्टनरशिप दूंगा बे? आपने? आपको पता है ऐसे आदमी को मारने के लिए लोग 50-50 रुपए की सुपारी ले लेते हैं, तू लेगा करोड़ों की। चलो ठीक है मैं मजाक कर रहा था शर्मा, आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे देना, मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगा। चल फटाफट जा, मेरी वाइफ बन के शाम को 5 बजे पूरा पहुंच जाना ठीक है? ओके, भाग जा, भाग जा, फटाफट चलो। पाजी अब देखना करोड़ों रुपया कैसे अंदर करता हूं मैं। जुगाड़ लगाया यार। नानी मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। ए यार ये क्या बात होती है, तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहते, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना, हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way. ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप, बात करने के लिए बोल के कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया, दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना। सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर, रख दे मिठाई। वाह भाई वाह।
आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने ना। नानी ये क्या किया तुमने? ताकि ये मोया खा ना सके, लिखा। लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है, थूक तो ऊपर है नीचे थोड़ी गली है भाई। देखो भाई खुशखबरी आने वाली है, इसकी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपते। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई। नमस्ते 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 जी। नमस्ते नमस्ते। बताइए शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। भाई काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँगा। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। मैं जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी है ना, तो हमारे यहाँ करवाइए, हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो एक की बजाय हम दो बच्चे देंगे। एक के साथ एक बच्चा फ्री। और वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले, बुला चंदन ले। चंदन आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं नहीं नहीं, चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं नहीं नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन चंदन, मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है, मैं जरा देख आती हूँ। चंदन, अरे मैं क्या कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके खुद जाके आता हूँ। एक मिनट एक मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा मायका इधर है? हाँ। अरे आपको पता नहीं आपकी बीवी का मायका किधर है? इनको पता है कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या, ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। चिट्ठी आई है मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना क्या, बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, बैठिए, आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। चरला एक मिनट चरला। हाँ। आपने अभी अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है सरला चंदन। सरला चंदन? हाँ। जी आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है। कैसे आपको बुरा लगा तो गोटिया रख देते उसका नाम, बताओ। आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, मौका देंगे आप? हाँ तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है, तो जब वो गली से निकलती है बेटी तो सब कहते हैं अभी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने तो पहले मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई 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 आई। अच्छा ये लीजिए, सॉरी सॉरी, पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा, आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का इंतजार। नहीं कोई नहीं, ले लेते हैं इतनी क्या, आपने कर। कप्पू 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 कप्पू, वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब, सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई, इसने तो मना किया था। मना मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं, हमारे जब खानदान में शादी होती ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? पांच। एक, आपने कहा पांच। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी एक साल तो मतलब पांच के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है, मेरी भी एक साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा मेरे को लगता है।
चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? एक। पांच। फिर आप कह रहे हैं एक, वो कह रहे हैं पांच, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे हैं आप, बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला जो नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं। नहीं, मेरा मतलब कि मैं आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जाइए जल्दी जाइए। हाँ बेटा ढूंढ, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। लाइए लाइए। हाँ तो बताइए, आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यापति। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यापति। विद्यापति। ये कौन है? मैं विद्यापति, ये मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी दो दो बीवियां हैं? ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है आपकी दो? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि साली अधिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। इतना रोला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपके जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठ बैठ जी, बैठ जी। हाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो बताइए आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ मैं बता रही हूँ, आपके से शादी के साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No, no. जब तक चाय वाले? चाय वाला? चाय चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी जमकर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। लाइए लाइए, मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है, कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। ए! टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। आपकी तीन तीन बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ सात फेरे लेने हैं। हाँ? मेरे को 10,000 रुपए देने हैं और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? आज उनकी तब कोई आंख उठाकर भी देखा तो। ये अब ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी है? ये भी है थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू, कप्पू, जंक लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें, इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा, स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा साइन करने वाला। आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो। तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी तीन तीन लड़कियों को धोखा दिया है।
मेरे साथ भी। हाँ हाँ वही वही, सवा तीन लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब? मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.